मौसी के खेत में आके घास काट रहे हैं और हमारे मौसिया कह रहे हैं कि तुम जुंडी काट लो। गलत बात है कि सही बात है बताओ मौसिया? खेत में तो काम कराओ जा तो ना रुको तो अबे बस उमा दिखा रहे हैं काट में आए का पेड़ देखो इससे निकलती है उड़द की दाल इससे। गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और गाइज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रियांशी के पीछे का बैकग्राउंड कैसे बदल गया। सो गाइज ये बैकग्राउंड बदला हुआ है क्योंकि मैं आ गई हूँ मौसी के अपने मौसी के गांव और अचानक से प्लानिंग हो गई। मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी और जैसे तैसे मैं यहाँ पर आई मैंने सोचा यहाँ पर चार्ज करके स्टार्ट कर दूँगी तो यहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या थी इस वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया। ये सुबह चार्ज हुआ है तो मैंने सोचा ब्लॉग की मैं स्टार्ट। ये देखो गाइज ये है हमारे मौसी का गांव, अभी मैं छत पे हूँ ये नीचे सब लेट है। ये देखो कितना गजब कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ भी पेड़ है यहाँ भी पेड़ है यहाँ भी पेड़ है यहाँ भी पेड़। ऐसे अगर शहर में रहने लगे ना लोग तो कितना अच्छा रहे। बेटी है खुशी गुड मॉर्निंग देखो गाइस गांव का अलग ही मजा है। ये देखो कितना बड़ा नीचे गाइस अभी चलते हैं नीचे और नीचे चल के। और गाइस एक समस्या और हो गई कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा। ये देखो गाइस कितना प्यारा, मुझे ये घर बहुत प्यारा लगता बहुत ज़्यादा प्यारा इतना प्यारा। और ऊपर और अपना सारा सामान वामान सब मेटते हैं करते हैं ब्रश उसके बाद पीते हैं चाय। आर्यन आर्यन गुड मॉर्निंग आंखें तो खुली नहीं तुम्हारी। गाइस यहाँ पर तो एकदम ही मज़ा अलग है और मैं ब्रश अभी कर रही थी। सामने घर है और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ये है बगिया पीछे कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे बैठो वो कितने सारे छत्ते लगे हैं वो मेरे मौसा खड़े हैं वो मौसी वो बहुत अच्छा यहाँ का व्यू बड़ा परम शांति मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना कुछ कहने को नहीं गुड मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतना प्यारा व्यू है यहाँ का। दीदी लेके आई है चाय इसका पाक गया पकड़ में चाय लग रहा पानी दादी पानी दीदी पानी बांट रही हूँ। अब मौसिया बोलो आप अपने मोदी से क्या बोलना चाहते हो? मोदी थोड़ा नहीं क्या बोलना, मोदी तक क्या पहुँचाना है? ये सभा वाले आगे लिखो तब एनडीए। अच्छा एनडी NDA वाले बैठ के चाय पी रहे हैं सब खुशी मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में का नाम भारी बहुमत से विजयी है, लड़का है मथुरा में और गाइस अब मेरे इस ब्लॉग से पूरे रिश्तेदार में पता चल जाएगा कि दिलीप भैया को लड़के वाले देखने आए हैं। वीडियोज़ भी बनाए हैं काफ़ी सारे, अपलोड करूँगी। जिसको भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है uppriyanshi5471, वो भी जाके सब्सक्राइब चैनल आईडी को फॉलो कर लो और जो रील्स अपलोड करूँगी वो देखना। यहाँ पर मैंने वो रील्स बनाई हैं, खैर यहाँ पर तो गंदा है काफ़ी लेकिन मैंने इस पेड़ के ऊपर चढ़ के बनाई है। और एक ये बगिया है, यहाँ पर जा नहीं पाई थी असल में मैं। अभी मैं बना रही थी अपनी मौसी के हाथ चाय और चाय ना मैंने बहुत रिस्क लेके बनाई पर चाय बहुत अच्छी बनी है। गाइस दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो एक्चुअली लाइट नहीं आ रही है बट चाय देखो कितनी अच्छी। ये है खेत, अब हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर, खेत में जाएंगे व्लॉग्स बनाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे, दो तीन वीडियो भी बना लेंगे और आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है हमारे साथ में हम मौसी खुशी आर्यन और मेरी मम्मी है और आप सब लोगों तो चलिए चलते हैं आगे खेत की ओर। और पता है गाइज यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, उधर सनसेट हो रहा है वाह यार चुमेश्वरी सनसेट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गांव में देखो इधर भी घास इधर भी घास, ये मक्का
आरन ले आ यो का है बाजरा यो बाजरा जो कैसो बाजरा और आगे तो बहुत दूर है। ये देखो गाइस पानी लग रहा है खेतों में। ये है ये पैर की क्या हालत हो गई, कीचड़ में डूब गया। चलो धुल लूंगी कोई बात नहीं। वाओ कितना ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है यहाँ पर। और ये गौर से आवाज सुनो गाइस, जी जी करके कुछ बोल रहा है। फोन में 5% बैटरी बची है गाइस, पता है। मौसी के खेत में आके घास काट रहे हैं और हमारे मौसिया कह रहे हैं कि तुम जुंडी काट लो। गलत बात है कि सही बात है बताओ मौसिया? खेत में तो काम कराओ जाए तो ना रुको तो अबे बस उमा दिखा रहे हैं काट में ना है। बस अब ब्लॉग में बनाओ घास काट ली अभी तक जितनी देर में हमने इतनी काटी मौसिया इतनी काट लेते हैं। सही बात मौसिया एकदम बराबर कर दी इन काट के हमें यू वाले ही आई ककड़ी। गुड जॉब गाइस देखो मौसी ककड़ी लेके आई हैं। ये तो बैगन की नामा लग रही ना ये तरबूज है ना या ककड़ी है। अरे ना छोटे वाले ना डिजाइन ऐसे लग रही तरबूजन की नामा देखो। अच्छा गाइस आप ही लोग देखो लग रही एकदम मौसी रान दो पसीना निकल रहा रान दो भी काट नहीं पावा तो का पेड़ देखो इससे निकलती है उड़द की दाल। इससे पकी है जब इनको छीलेंगे ये देखो उड़द की दाल काली दाल निकली है। ऐसे ही जो भी पकी पकी है मुझे काम दिया गया है कि ये पकी पकी बीने को बीने तोड़े तोड़ो मत तोड़ो नहीं आ? नहीं भाई तोड़ का करियो इतने चार दाना तक का हुई है गाइस। अभी मैंने आपको दिखाया भुट्टे का पेड़ फिर दिखाया वो का तो घास काटते हुए उरद की दाल उरद की दाल का खेत फिर मैंने आपको दिखाया जुंडी बाजरा ना के लल्ला आरन की तरफ घुमाइए कैमरामैन ये आरन है। फिर अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मूंगफली का पेड़। आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं होगा, देखा भी होगा तो अपने गाँव में देखा होगा। मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये है मूंगफली का पेड़। वो भी जब मुझे ये ज्ञान दिया गया है तब मुझे ये पता चला है। वैसे मुझे पता भी नहीं था कि किस चीज का पेड़ है। अब क्या करें इसके अंदर से मूंगफली खपवा के निकालें खाएं। देखो गाइस ये है मूंगफली। कल खेत के बाद मैं सीधा ये वाला सीन दिखा रही हूँ जिसमें मैं अपने घर जा रही हूँ क्योंकि फोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। 3% बैटरी वीडियो बना रही और ये सब लोग छोड़ने जा रहे हैं। बाय बाय गाइस जा रहे हैं बाय बाय गुन्ना। अब आएंगी मौसी और दीदी कानपुर तब मिलेंगे। अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ। बाय बाय।